रोलर स्केटर्स की टीम का उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के मंच पर हुआ भव्य सम्मान। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा पर निकली वाराणसी की बेटी सोनी चौरसिया एवं उनकी टीम रोलर स्केटर्स का 22 नवंबर को यह देखिए पोईसर जिमखाना में आयोजित उत्तर मुंबई क्रीड़ा महोत्सव के मंच पर उत्तर मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी जी के हाथों भव्य रूप से सम्मान सत्कार किया गया। इस मौके पर गोपाल शेट्टी ने अतुल्य भारत रोलर स्केटिंग टीम को उनकी यात्रा हेतु बधाई दिया है। यह लड़कियां नारी शिक्षा, वृक्षारोपण, कुपोषण, कन्या भ्रूण हत्या जैसे अनेक मुद्दों पर भारत की जनता को संदेश दे रही हैं। सोनी चौरसिया अपनी रोलर स्केटर्स की टीम की लड़कियों के साथ 27 सितंबर को कश्मीर से अपनी यात्रा का शुभारंभ किया। वह कन्याकुमारी तक 5000 किमी का सफर रोलर स्केटर्स के माध्यम से लगभग 25 दिसंबर 2022 तक तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी गुजराती सेल के नेता एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रपोज संस्था के धर्मेश जोशी के पहल पर रोलर स्केटर्स की टीम मुंबई के कांदिवली पहुंची, जहां पर सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों उनका यह सम्मान किया गया। यात्रा में भाग लेने वाले सदस्यों को मदद के रूप में 25,000 रुपये की यहां पर धनराशि सौंपी गई। सांसद शेट्टी ने इस यात्रा का नेतृत्व करने वाली सोनी चौरसिया और राजेश डोंगरा को उनके इस मिशन हेतु शुभकामनाएं दिया है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी, सोनी चौरसिया और गुजराती सेल के नेता धर्मेश जोशी ने और क्या कुछ कहा है। रोलर स्केटिंग यात्रा में निकले हुए हमारे सभी युवा युवतियां, उनको समर्थन करने वाले धर्मेश भाई, रामपाल भाई, राजेश चौरसिया, महेंद्र मोदी, हमारी रोटरी क्लब की बहन कल्पना बहन, नीरव शर्मा, मुकेश शर्मा, पावन धाम में इनकी रहने की और व्यवस्था जिन्होंने की, ऐसे नीरव भाई, सोनल जी, अन्य सभी मान्यवर, दिलीप पंडित है, महेश राउत है, हमारे डॉक्टर योगेश दुबे जी है, निशा कोरा है, करुणाकर शेट्टी है, गणेश कनकर है, का अभिनंदन करता हूँ। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देशवासियों को दिया और उस नारे को इन बच्चियों ने एक प्रोग्राम के रूप में बनाते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रोलिंग स्केटिंग यात्रा निकाली। और जैसा आपने कहा कि 2900 किलोमीटर का यात्रा पूरा हुआ, अभी यहाँ से आगे पनवेल पेन होते गोवा जाएंगे, गोवा से कर्नाटक, ऐसा करते करते कन्याकुमारी तक पहुँचेंगे। जब हमें पता चला कि ये बच्चियाँ यहाँ पर आई है तो पोईसर जिमखाना के माध्यम से इनका हमने सम्मान करने का तय किया। पावन धाम के लोगों ने उनके आज की रहने की और व्यवस्था हमारे नीरव भाई ने, नम्र मुनि महाराज साहब के जो दूत है उन्होंने किया, और ये कार्यक्रम का एक शॉर्ट टाइम हमने यहाँ पर अरेंज किया। तो देखते देखते 25,000 रुपये का लगभग राशि इन बच्चों के हाथ में दिया गया। मुझे लगता है कि ये इन बच्चों का मनोबल आगे बढ़ाएगा, यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है। ये तो ठीक है बच्चे जा रहे हैं, ये है वो है, कोई किसी को पड़ी नहीं, लेकिन कुल मिलकर सब लोग ने अपने आप को जोड़ दिया, यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत है ना। मैं तो डोनेशन लोग जमा करने को निकले तो कोई देते नहीं है, लेकिन ये सामने से आकर लोग दे रहे हैं, यही खूबी है, यही हमारी देश की खूबसूरती है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो जिन्होंने भी दान किया, ऐसे सारे लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ। नीरव पावन धाम के जो कर्ता धर्ता है उनका अभिनंदन करता हूँ, सारे बच्चों को शुभेच्छा देता हूँ। इन्हीं बच्चों में से आने वाले दिनों में कोई ना कोई नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलकर प्राइज लाएंगे तो मोदी जी को भी समाधान होगा, मुझे भी समाधान होगा, इसलिए मैं आप सबको एडवांस में शुभेच्छा देता हूँ। मोदी जी की जो टीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टीम के धर्मेश भाई हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रम में आगे बढ़कर हिस्सा लेते हैं,
और बहुत ही कम समय में बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का वो अरेंजमेंट करते हैं। तो मैं धर्मेश भाई को भी और गुजराती सेल के माध्यम से जितने भी सारे लोग जुड़े हुए बहुत अच्छा काम करते हैं। पार्टी का काम करते करते टिकट किसी को टिकट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिलना ये एक बड़ी बात है। आप काम करते रहे, एक सांसद के नाते आप जब कभी भी बुलाओगे मुझे, मैं आऊँगा। जैसे आज रेडीमेड आपने बुलाया, मैं आपके कार्यक्रम में आ गया, मैं आने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत बताना चाहेंगे कि हम सारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर हम लगभग 2900 किलोमीटर चलाकर पहुँचे हैं महाराष्ट्र। 13 राज्य, 100 शहर, 10,000 गांव से गुजरते हुए हम 25 दिसंबर को कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक पे अपनी यह यात्रा समाप्त करेंगे। 8 राज्यों में हम हैं, 5 राज्य सिर्फ और बचे हुए हैं और आज हमें चलते हुए 57वां दिन हो गया है। मात्र 34 दिन और बचे हैं और जिसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। आप हमारे उत्साह और जोश में कोई कमी नहीं पाएंगे। जिस जज्बे के साथ हम मातृभूमि के लिए कार्य करने निकले थे वह हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये तो सिर्फ 34 दिन की यात्रा है, इससे ज़्यादा भी हुआ तो हम करेंगे। कुल कितने किलोमीटर का सफर था और कितना दिन और लगेंगे सफर करने में? 5,000 किलोमीटर की हमारी यह यात्रा है जो 27 सितंबर पे विश्व पर्यटन दिवस पे ये प्रारंभ हुई है और 25 दिसंबर को समाप्त होगी। 90 दिनों का हमारा यह प्रवास है और आज हमारा 57वां दिन हो चुका है। 34 दिन मात्र और बचे हैं और मैं आपको यह भी साथ में जानकारी दूंगी कि हमारे साथ जो स्केटिंग दल 20 लोगों का टीम है जिसमें 12 लोग स्केट चला रहे हैं, मैंने स्वयं ने इंटरनेशनल लेवल पे खेला है स्केट और मेरे साथ राष्ट्रीय और डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी खिलाड़ी हैं। तो हम लोग सधे हुए हैं, ऐसे ही रोड पर नहीं चले आए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरा ध्यान रखते हुए हमें स्कॉट करने के लिए हमारे गुरु राजेश डोगरा जी और अजय चौरसिया जी हैं जो हमें स्कॉट करते हैं। हमारे साथ एक सपोर्टिंग व्हीकल चल रही है, वैनिटी वैन। उन सारे संघ परिवार और जो यहाँ पे हमें रोटेरियन हमारे भाई साहब महेंद्र मोदी जी और राजेश भाई साहब, धर्मेश भाई साहब, राम भाई साहब हमारे साथ, इतने कम समय में इतना सुंदर आयोजन, वो शायद वो जो उनका स्नेह एक बेटी के अपने बहन के लिए था उसके वजह से ये हो पाया। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और देश के लिए हम लोग ऐसे ही काम करेंगे, करते रहेंगे। और उन मातृ शक्तियों को विशेषकर मैं अवेयर करना चाहती हूँ जो अपना बुद्धि विवेक कहीं ताके पे रख कर और ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए। अपने आदर्शों को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को संभाल के रखें क्योंकि यही हमारी महिलाओं की पहचान है। क्या कहना चाहिए? देखिए, इनका हौसला माता रानी देवी स्वरूप है। इनके अंदर जो हौसला है, आज का जो समाज, आज का जो युग जिस दिशा में जा रहा है उसमें एक प्रेरणा स्रोत है सोनी जी, जिन्होंने माता रानी उनके दिल में बैठी, उनको ये प्रोत्साहन किया कि एक समाज को अच्छा एक कॉल दिया जाए। मुझे जब कल मालूम पड़ा, हम लोग शाम को गए, मैं, राजेश जी, महेंद्र जी, और मैंने वहाँ से राम भाई को कॉल किया कि भैया ये प्रोग्राम मुझे लेना है श्री गोपाल शेट्टी साहब के साथ, हमारे आदरणीय सांसद जी यहाँ के। तो सुबह उनके पास गया, उन्होंने एक ही सेकंड में मुझे बोल दिया, जो एक सेकंड में बोल रहा हूँ वो वाकई में एक सेकंड है, कि धर्मेश ये तुझे लेना है, सिर्फ हाँ बोल दिया, ले ले। उसके बाद यहाँ पर खुद आए, बच्चों का बहुत सारा हौसला अफजाई की, उनको प्रेरणा मिला, मोटिवेशन मिला। और सबसे बड़ा योगदान इसके अंदर हमारे राम भाई जी का है जो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और मुझे जो सेवा मिली है आज पावन धाम की ओर से, नीरव भाई की ओर से, पोईसर जिमखाना की, मैं पूरी टीम को धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे सपोर्ट किया। हमारे अध्यक्ष श्री मुकेश कड़किया जी और हमारी गुजराती सेल की टीम भी साथ में जुड़ी हुई है, हमारे हिमांशु भाई पंड्या, साथ में हमारे सिर्फ यूनिवर्सल पिंकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिर्फ एक कॉल पर सब लोग आए हैं और मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए कि हिंदू की संस्कृति क्या है, सनातन धर्म क्या है। आज नसीब में बैठी है, बनारस में बैठी है और वहाँ से एक संकल्प लेती है, कश्मीर से चालू करो, कन्याकुमारी तक जाओ, और आज का यूथ कौन सी दिशा में जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है सोनी जी का, सोनी चौरसिया का मैं धन्यवाद करता हूँ। कल मेरी आंखों में पानी आ गया जब मैं उनसे मिला, उनका ये घाव देखा शरीर में, सिर्फ इनका नहीं 12 बच्चियों का घाव देखा। उन्होंने बताया कि सर हमको क्या क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ अवेयरनेस ये यूथ को मैं देना चाहूँगा कि वो
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से और मेरे तारामा चैरिटेबल के माध्यम से कि इनका एक अवेयरनेस लेके जिंदगी को अच्छी तरह से जिए और हिंदुस्तान का नाम अच्छा रोशन करे, साथ में अपने माता पिता का भी। क्या कहना है? ये एक श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए निकले हैं और हिट इंडिया और फिट इंडिया का नारा इनका है, तो इस चीज़ को देखकर लोग ऐसी चीज़ें करें। आज अनुसंधान का दौर चल रहा है तो अनुसंधान में इनका भी एक नया प्रयास है और हम तो इनकी बाबा भोलेनाथ से इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद रहे, पूरी टीम के ऊपर आशीर्वाद रहे, यही प्रयत्न करेंगे। और मैं जब भी सेवा बन पड़े जहाँ से भी अगर मेरी बहन सोनी चौरसिया फ़ोन करेगी मैं उपस्थित रहूँगा। रामपाल जी, आपने भी आर्थिक रूप से सहयोग किया है और आने वाले दिनों में मदद का भी भरोसा दिया है। जी, ये हमारा धर्म बनता है। अभी सांसद जी ने कहा ना कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत क्या है, तो यही श्रेष्ठ भारत है। हमने 2 रुपया कमाया है तो किसको देना, दिखावे के लिए नहीं देना है, एक सही जगह जाए, सही उपयोग हो। और ये भारत की महिलाओं वुमेन्स के लिए प्रोत्साहन देने वाली बात है। फिट इंडिया हिट इंडिया का एक नारा यहाँ पे सिद्ध होता है, जो हमारे नेहरू युवा केंद्र का नारा है और इस वुमेन्स टीम के ऊपर वो सिद्ध होता है कि फिट इंडिया हिट इंडिया ये भी एक नारा है और श्रेष्ठ भारत और ग्रेट भारत ये भी एक नारा है।